गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईएएम क्या होता है, कैसे काम करता है, एक्चुअल में इसका फायदा क्या है और क्यों यह हर क्लाउड के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना पड़ता है, और ना सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि रियल टाइम में भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये आईएएम नाम का टॉपिक क्या है। तो जितनी भी इससे रिलेटेड बुनियादी बातें हैं, सारी बुनियादी बातें आज हम कवर करेंगे, और साथ में आपको आज अपनी ताजा तरीन लिखी हुई गजल जो मैंने आज सुबह ही लिखी, बस मेरे ख्याल में आई तो वो लिखी, उसका भी जिक्र करेंगे, उसको भी आपको सुनाएंगे। तो आज बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं, तो बने रहे और आखिर तक इस लेक्चर को देखते रहे। देखिए आईएएम, यहां पर तीन बुनियादी बातें हैं। ये गूगल कहता है कि भाई देखे, हमारे पास ये जो नाम है इसको हमने तीन चीजों से मिलकर बनाया है, आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। गूगल कहता है भाई तीन चीजें हैं इस अल्फाज के अंदर, यहां पे ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में तीन चीजें हैं। गूगल कहता है कि ये आईएएम ये बताता है कि हमने किस शख्स को कितनी परमिशन देनी है और किस चीज पर देनी है, ये हम यहां से डिसाइड करते हैं। यानी अभी तक आपने गूगल क्लाउड के अकाउंट में जो कुछ भी काम किया, आपने वहां पर एज अ एडमिन किया, आपका एक अकाउंट बनाया आपने, उसके थ्रू आप वीएम बनाते हो, उसके थ्रू आप क्लाउड स्टोरेज बनाते हो, आप सारा काम करते हो। लेकिन एक कंपनी के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि एम्प्लॉय अपना गूगल अकाउंट बनाएगा काम करने के लिए कंपनी का, नहीं ऐसा नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारी जो कंपनी है वो उन्हें अकाउंट क्रिएट करके देगी। भाई एम्प्लॉय तो काम करने के लिए आया है, वो अपने अकाउंट से थोड़ी ना काम करेगा, वो थोड़ी ना बिल भरेगा उस काम का, उसे तो सैलरी मिल रही है उसके काम की। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अकाउंट से ही उनके अकाउंट क्रिएट करने होते हैं और जो काम वो करना चाहते हैं उसकी परमिशन उन्हें देनी होती है। ये सारा काम कहां से किया जाता है, इस आईएएम से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो गूगल अकाउंट बनाते हैं उस एक अकाउंट से आप मल्टीपल अकाउंट, 100 अकाउंट, 200 अकाउंट, 500 अकाउंट, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप यूजर अकाउंट बना सकते हैं। एक मेन अकाउंट होगा और उसके मल्टीपल अकाउंट होंगे उसके अंदर, जो कि मल्टीपल काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो आपके क्लाउड पे काम कर रहे हैं। कोई वीएम बना रहा होगा, कोई स्टोरेज बना रहा होगा, कोई मैनेज कर रहा होगा, कोई एडी संभाल रहा होगा, कोई कुछ और काम कर रहा होगा, तो हमें उनको उनके लेवल की परमिशंस देनी पड़ेंगी। ये सारा काम करने के लिए हम आईएएम का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, बहुत सारी डीप में बातें आपको बताऊंगा, इसके कुछ इंटरेस्टिंग लैब्स, इवन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लैब जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस प्रॉक्सी जो है आईएपी, इसकी हम बात करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे, इसकी भी आपको आईएपी की लैब करके दिखाऊंगा कि ये क्या होती है। तो हम ये भी सारी बातें करेंगे, और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आईएएम के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर आईएएम देखे तीन अल्फाजों से मिलकर बना है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी का मतलब क्या है भाई, मेरा एक आईडी कार्ड होता है, मैं अगर किसी कॉलेज में पढ़ाई करता हूं तो मेरा एक आईडी कार्ड होता है जो मेरी पहचान है, और उस आईडी कार्ड पे ये भी लिखा होता है कि मैं स्टूडेंट हूं, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, या मैं प्रोफेसर हूं, या मैं वाइस चांसलर हूं, मैं क्या हूं, ये वहां लिखा होता है। ऐसे ही एक कंपनी में आप जाएंगे, उस कंपनी में भी आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा। अगर आप उस कंपनी में नॉर्मली विजिट करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको वहां पे कंपनी का आईडी कार्ड नहीं मिलता। वो कहते हैं सर कहाँ जाना है, आप कहते हो इंटरव्यू देने आया हूं, वो कहते हैं ठीक है सर एंट्री कर दो। एंट्री करने के बाद वो आपको एक विजिटर कार्ड दे देते हैं जो आप गले में डाल लेते हो। अब विजिटर कार्ड देने के बाद वो आपको कहता है आप सेकंड फ्लोर पे चले जाओ और फलाना कमरे में जाके बैठ जाओ। आपके पास सिर्फ इतना ही होता है कि आप वहां जाओगे, आप कहोगे मेरा आज इंटरव्यू है और आप फलाने कमरे में जाके बैठ जाओगे। ना तो आपके पास ये परमिशन होगी कि आप उस ऑफिस में घूम कर देखो कौन क्या काम कर रहा है, या आप वहां किसी दूसरे एम्प्लॉय की जाके चेयर पे उसके बगल में बैठ जाओ। आपके पास ये कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि आप एज अ विजिटर आए हो। एज अ विजिटर आप सिर्फ वहां जाके उस कमरे में बैठोगे जिस पे आपको कहा गया है कि आपने यहां आके अपना इंटरव्यू देना है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब सपोज करें कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और आपको अगले दिन जो है आपकी ज्वाइनिंग हो गई। जब ज्वाइनिंग हुई तो 2 दिन बाद एचआर ने आपको आपका आईडी कार्ड लाके दिया कि भाई ये आपका आईडी कार्ड है, आप आज से क्लाउड इंजीनियर बन चुके हो और आपने यहाँ पे काम करना है। अब वो आपको आपकी डेजिग्नेशन बता देगी, आपको बता देगी आपने यहाँ बैठना है, ये चेयर आपकी है, ये टेबल आपका है, यहाँ पे लैपटॉप आपको मिल गया है, आप यहाँ बैठ के काम करें। अब आप अभी तक आप जिस कमरे में बैठे थे, अब आपके पास ये परमिशन है कि आप उस पूरे ऑफिस
ऑफिस में जा सकते हो, आ सकते हो, किसी से बात भी कर सकते हो, ये परमिशन आपके पास है। लेकिन क्या आपके पास परमिशन होगी कि आप जो है मैनेजमेंट के रूम में चले जाए बिना इजाजत के, या आप कंपनी के जो हाई प्रोफाइल जो उनके डेटा सेंटर्स होते हैं, पूरे सिक्योर जोन होते हैं, वहां चले जाए? नहीं, आपके पास से परमिशन नहीं होगी। वो परमिशन नॉर्मली एक एम्प्लॉय के पास नहीं होती डेटा सेंटर के अंदर जाने की, उसको एक्सेस करने की, फिजिकल हार्डवेयर को एक्सेस करने की। फिर आप काम करते रहे, आपका प्रमोशन हो गया और आपको बना दिया गया डेवलपर, सीनियर डेवलपर, और आपको फिजिकल डेटा सेंटर का भी एक्सेस दे दिया गया कि भाई अब तुमने वहां जाकर भी कुछ कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए हम तुम्हें वहां की परमिशन दे रहे हैं। धीरे धीरे आपका रोल चेंज होता गया। पहले आप विजिटर थे, विजिटर से आप एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉय के बाद भी आप सीनियर एम्प्लॉय बने, आप सीनियर ग्रेड पे आ गए और आपको परमिशंस भी बदलती गई। यानी जिस लेवल का आपको रोल मिला उस हिसाब से आपका दायरा बढ़ता गया, चीजों को एक्सेस करने की परमिशंस बढ़ती गई। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसी सारी बातों को माइंड में रखकर यहां पर तीन चीजों का हमने हवाला दिया है, आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिटी यानी कि वो पर्सन, वो सर्विस, वो रिसोर्स जो एक्सेस करना चाहता है। जैसे कि मैंने अभी कंपनी का एग्जांपल लिया, तो वहां पे मैं जो इंटरव्यू देने जा रहा है एक पर्सन, वो क्या है, वो एक आइडेंटिटी है, वो एक यूजर आप कह लें, है ना, आप एक यूजर कह लें, वो जो यूजर है, जो पर्सन है, वो क्या है, एक आइडेंटिटी है। उस पर्सन के पास क्या एक्सेस है, वो पर्सन क्या क्या एक्सेस कर सकता है, ये कैसे पता चलेगा कि उसको हमने रोल क्या दिया है। अब अगर उसके पास विजिटर का रोल है तो वो सिर्फ एक कमरे में जाके बैठ सकता है। अगर उसके पास अभी न्यू ज्वाइनी है तो उस हिसाब से उसको कुछ परमिशन मिलेंगे कि भाई तुम यहां यहां बैठ सकते हो। पर अगर वो सीनियर बन जाए, कल को बहुत सीनियर डेवलपर बन जाए, कुछ और बन जाए, तो फिर क्या होगा, उसके पास परमिशन ज्यादा हो जाएंगी। यानी रोल के हिसाब से आपके पास चीजें बढ़ेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विजिटर हो तो मैनेजमेंट, आप सिर्फ एक रूम में बैठ सकते हो, आप सिर्फ एक रूम के अंदर बैठ सकते हो। न्यू ज्वाइनी हो तो आप पूरे ऑफिस के अंदर कहीं भी आ जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। सीनियर डेवलपर हो तो आप पूरे डेटा सेंटर में भी जा सकते हो, वहां भी एक्सेस कर सकते हो। यानी ये जो मैनेजमेंट है, ये आपको बताता है कि आप किन रिसोर्सेस को मैनेज कर सकते हो, आप किन चीजों को मैनेज कर सकते हो, वो यहां मैनेजमेंट बताता है कि हम किन रिसोर्सेस को मैनेज कर सकते हैं। एक्सेस बताता है कि आप क्या क्या रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं, आपका रोल आपको बताएगा। ये रोल जो होता है ना, ये बताता है कि आप क्या एक्सेस कर सकते हो। आपके पास विजिटर का रोल है तो आप उतना एक्सेस कर पाओगे। जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास का एक्सेस कर सकता है, क्लास में जा सकता है, क्लास में पढ़ सकता है, पर उससे कह दें कि आप प्रोफेसर के कैबिन में जाके कल से बैठो तो नहीं बैठ सकता, वो प्रोफेसर के लिए एक्सेस है। प्रोफेसर का एक्सेस अलग है, वाइस चांसलर के रूम का एक्सेस अलग है, वहां पे वाइस चांसलर डेली जा सकते हैं पर स्टूडेंट नहीं ना डेली जा सकते। तो आपने ये समझना पड़ेगा, आपका जो रोल है उस हिसाब से चीजें और रिसोर्सेज आपको दिए जाएंगे। तो आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, इन तीनों चीजों की हमें बात करनी है। इस आइडेंटिटी में गूगल के अंदर क्या क्या आता है, एक्सेस में गूगल के अंदर कौन कौन से रोल आते हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज को आप मैनेज कर सकते हो, ये सारी बातें हमने आज बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है। आई होप एक आइडिया आपको लग गया होगा कि IAM क्या होता है, और ये सिर्फ ना सिर्फ गूगल में, हर एक क्लाउड में, AWS के अंदर भी इसको IAM कहा जाता है, Azure के अंदर वहां पे IAM नहीं होता, वहां पे उनकी अपनी Azure AD होती है, उसके थ्रू वो चीजों को मैनेज करते हैं। हालांकि वहां भी IAM होता है, वहां पर भी आप अगर सर्विसेज में जाएंगे तो IAM आपको मिलेगा, वहां पर भी हर सर्विस के लेवल पे IAM होता है, वैसे Azure AD होती है जिसके थ्रू वो मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां नजर आ रही है। एक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गूगल क्लाउड थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है इसका IAM इन कंपैरिजन टू AWS। जैसे कि AWS के अंदर आप नॉर्मली किसी को भी यूजर बना सकते हैं, आप खाली उसका नाम लिख दें, गूगल का जो डिफॉल्ट डोमेन है उससे वो यूजर बन जाता है। AWS में आप खाली यूजर का नाम दे दें और यूजर क्रिएट हो जाता है, वो लॉग इन कर सकता है, आपको उसको ID पासवर्ड बता देना है।
गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल के अंदर आपके पास गूगल की जीमेल आईडी होना जरूरी है, या फिर गूगल का वर्क स्पेस होना जरूरी है, गूगल ग्रुप का मेंबर होना जरूरी है, कुछ एक लिमिटेशंस है गूगल के अंदर। गूगल का जो आईएएम है वो उतना ज्यादा मैच्योर मैं नहीं कहूंगा इन कंपैरिजन टू आईएएम। हालांकि इन्होंने कुछ फीचर एडब्ल्यूएस आईएएम हालांकि इन्होंने कुछ फीचर जरूर एडवांस दिए हैं, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नजर आती हैं, बट कहीं ना कहीं एडब्ल्यूएस से फिर भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं पर्सनली को फील करता हूं कि AWS ज्यादा सिस्टमैटिक है, ज्यादा आप कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से डिजाइन और मैच्योर है, क्योंकि पुराना भी है, पहले से काफी अपडेट्स उसमें होते हुए आए हैं, तो अभी वो काफी उसको मैच्योर कर चुके हैं। इनके IAM की अगर मैं बात करूं गूगल के, तो वो ठीक ठाक है, अच्छा है, काफी सारी चीजें हैं ऑलमोस्ट जो वहां पे है वो यहां भी कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो मैं बीच बीच में वो लिमिटेशंस का जिक्र आपसे करता रहूंगा ताकि क्लाउड पे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो बुनियाद है वो मजबूत हो सके। और अब यहां पर मैंने कुछ बुनियादी बातें लिखी हैं, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली बात मैंने लिखी है, IAM lets you grant granular access to specific Google Cloud resources and helps prevent access to other resources। ये कहते हैं IAM का बुनियादी काम क्या है? उसका बुनियादी काम है जिस शख्स को जो काम सौंपा गया है वो सिर्फ वो करे, फालतू ना कर सके। और ये बेहद जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। आप देखें अगर एक बंदा जो है अपना काम तो कर रहा है पर दूसरे को भी जाके डिस्टर्ब कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो लाओ मैं करा देता हूं, तुम क्या कर रहे हो लाओ मैं करके देखता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। जिसको जो काम एक्सेस किया गया है वो कंपनी में अगर वो करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर निकल के आती है। ये कहते हैं कि IAM के थ्रू हम यही काम कर सकते हैं। अगर हमने एक पर्सन को जो कि VM बनाने का और VM को मैनेज करने का काम करता है, तो हम ये एंश्योर करेंगे कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ VM बनाने की और VM को एडिट करने की ही परमिशन हो, वो स्टोरेज का कोई काम ना कर सके, इवन वो बकेट तक ना बना सके। हम उसको एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करके देंगे जिसमें वो सिर्फ अपने दायरे में रहकर ही काम कर पाए। फोर्सफुली हम उसको एनफोर्स कर देंगे, उसको ये बाउंड कर देंगे कि तुम ये ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमिशन ही नहीं होगी। जब परमिशन ही नहीं होगी तो वो चाहकर भी क्लाउड बकेट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास वो परमिशन है ही नहीं। तो यहां पर ग्रैन्युलर एक्सेस का मतलब होता है, ये अंग्रेजी अल्फाज है, आपको पता है अंग्रेजी में सब कुछ लिखा है, ठीक है, और अंग्रेजी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। ग्रैन्युलर एक्सेस का मतलब होता है महीन, उर्दू में इसको महीन कहते हैं और हिंदी में इसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म से मतलब यह है कि आप छोटे छोटे अपने लेवल पे आप उन्हें परमिशंस दोगे। यानी मैं ग्रैन्युलर को कैसे समझ सकता हूं, देखें आपके पास अगर आप घर से निकले और आपके पास ये भी है कि चले मैं यहाँ पे जरा चाट पकौड़ी खा लूं, मैं यहाँ पे समोसा खा लूं, मैं वहां जाके उससे गप्पे लड़ा लूं, मैं फिर आगे जाके थोड़ी देर पार्क में बैठ जाऊं और फिर मैं जो है अपने ऑफिस काम पे जाऊं, ठीक है जी, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, तुमने वहां दुकान पे जाना है, उसको पैसे देने, सामान लेके सीधा इधर आना है, कोई रास्ते में मिले कुछ भी मिले बात नहीं करनी, कोई खाने को दे खाना नहीं है। आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ग्रैन्युलर परमिशन दे दी कि बेटा तुमने बस ये काम करना है और ऐसे करके आ जाना है, इसके अलावा इधर उधर की कोई आपको ना परमिशन दे रहा हूं मैं और ना ही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये काम करें। ग्रैन्युलर का मतलब है जो काम कहा गया जितना कहा गया सिर्फ उतनी परमिशन देके उस आदमी को छोड़ दो और उसे बोलो तुम वहां तक जाओ और वहां से वापस आ जाओ, दिस इज ग्रैन्युलर, ठीक है। स्पेसिफिक गूगल क्लाउड रिसोर्सेज, ये कहते हैं कि वो भी हम किस पर देंगे, उस स्पेसिफिक का मतलब है अगर कोई बंदा VM पे काम कर रहा है तो सिर्फ VM की परमिशन देंगे। स्पेसिफिक गूगल क्लाउड रिसोर्स एंड हेल्प प्रिवेंट एक्सेस टू अदर रिसोर्सेज, और हम कोशिश करेंगे वो बाकी चीजों का इस्तेमाल ना कर पाए क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। IAM lets you adopt the security principle of least privilege. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, PLP इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ऑलवेज रिमेंबर गूगल प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज पे काम करता है और ना सिर्फ गूगल बाकी क्लाउड भी PLP पे ही काम करते हैं। वो कहते हैं जिस शख्स को जितनी जरूरत है बस उतना उसको परमिशन दीजिए, उससे बिल्कुल ज्यादा मत दीजिए। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम जितनी उसकी जरूरत है, एट मोस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट क्या होता है, कम से कम। तो आपने लीस्ट प्रिविलेज देनी है उसको, उतनी देनी है जितने से उसका काम चल जाए, दैट्स इट।
which states that nobody should have more permission than they actually need, जिससे कि ये ensure किया जा सके कि उस person के पास कोई भी extra permission नहीं है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा permissions नहीं होनी चाहिए. For example, एक बंदे को मैंने monitoring का काम दे रखा है. Monitoring का मतलब ये होता है, जो लोग fresher हैं, non-technical हैं, उनको मैं बता दूं कि monitoring का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि मेरे पास suppose 50 virtual machine चल रही हैं, तो मुझे सिर्फ दिन भर बैठ के ये देखना है इनमें से कोई डाउन तो नहीं हो रही, इनमें से किसी की कैपेसिटी हाई तो नहीं जा रही, 80% से ऊपर तो नहीं जा रही, या इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही. बस मुझे बैठ के पूरे दिन ये देखते रहना है. यानी यहां पर ना तो मुझे वीएम क्रिएट करने की जरूरत है, ना मुझे यहां वीएम को डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ देखना है. तो क्या मुझे ये परमिशन देनी, क्या मैं अपने उस एम्प्लॉय को जिसको ये काम करना है मॉनिटरिंग का, क्या मैं उसको क्रिएशन की परमिशन देना चाहूंगा? नहीं. क्या मैं उसको एडिट करने की, यानी कि वो डिलीट कर सके, ये परमिशन देना चाहूंगा? नहीं. मैं उसको सिर्फ व्यूअर की परमिशन दूंगा कि तुम सिर्फ देख सकते हो और तुमको सिर्फ देखना ही है. तो उस तरीके से आप उनका रोल डिफाइन कर देंगे और कहेंगे अब तुम ये काम करो. ठीक है, तो आपने यहां पे ये करना है. With IAM, you manage access control by defining who. ये है who. ये जो है ना identity, इसे इन्होंने कहा है who, यानी कि कौन. इसको हिंदी में या उर्दू में क्या कहते हैं, कौन. और who has what access, किस शख्स के पास क्या एक्सेस है, यानी कि क्या रोल है जिसके बेस पर वो क्या काम करेगा. जैसे विजिटर है तो विजिटर की तरह ही वो वहां पे बिहेव करेगा, न्यू ज्वाइनी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा हिचक झिझक के रहेगा, है ना, और सीनियर है तो बच्चा उड़ा होकर जाएगा और भाई क्या हाल है, कैसा कर रहे हो, है ना. तो ये जो है ये तो भाई तजर्बे के साथ ही आता है ना. तो ये कहते हैं कि हु हैज व्हाट एक्सेस फॉर विच रिसोर्स, यानी कौन क्या एक्सेस कर सकता है और किसको एक्सेस कर सकता है, ये डिफाइन किया जाता है आईएएम के अंदर. आई होप ये बात आपको 110% समझ आ गई होगी. अच्छा, फिर ना मैं कई कमेंट पढ़ रहा था. देखिए यार, हर शख्स का अपना एक पढ़ाने का अंदाज होता है. मैं अभी पढ़ रहा था कि कोई एक शख्स है जो काफी नेगेटिव, आई डोंट नो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी मेरे को डिसलाइक विसलाइक करवाते रहते हैं, मुझे मालूम है. तो वो ना उस पर नेगेटिव काफी एक कैंडिडेट लिए लिख रहा है कि हाँ आप पढ़ाते अच्छा है, बट आप चीजों को रिपीट करते हैं. देखिए, ये दोहराना एक जरूरी नहीं है. मैं भी एक ही बार में पढ़ा के छोड़ सकता हूं, इस टॉपिक को मैं 2 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं. आइए हम बता के कि क्या होता है. मैंने अभी तक कई बार दोहरा दिया. दोहराने की वजह यह है कि आपको याद हो जाए. मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी है, एक टीचिंग मेथडोलॉजी है जिसको मैं खुद अडॉप्ट करके फॉलो करता हूं. और मेरा यह मानना है कि किसी बात को जब बार बार दोहराया जाता है और आपको समझाने की हर तरीके से कोशिश की जाती है तो हमारे दिमाग में लंबे वक्त तक रहती है. तो ये मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी. अगर आपको लगता है कि मेरा बार बार दोहराना कुछ गलत है या मैं बेवजह मेरे लेक्चर लंबे हो रहे हैं, तो यार ये मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता. बट मेरी अपनी ये स्ट्रेटजी है कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूं उसको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं. मैं ये चाहता हूं कि वो सीख जाए, उसके दिमाग में बैठ जाए. यहां मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैंने अपने कोर्सेज बेचने हैं. मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी हाल फिलहाल में देखे जो DevOps AWS के कोर्सेज लेकर आए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर और फिर अपना नंबर भी डाल देते हैं, फिर उसमें कहते हैं कि मेरे से कॉन्टेक्ट करें डिटेल में पढ़ने के लिए. मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता. मेरे अपने ट्रेनिंग के काम होते हैं, मैं ट्रेनिंग देता हूं. बट ना तो मैं कभी आपको ये कहूंगा कि आप मेरे ट्रेनिंग्स में आए मुझसे पढ़ें, या मैं कभी ना ये कहूंगा कि मैं यहां पे कम कंटेंट डालूंगा डिटेल में पढ़ने के लिए, आप मेरे पास लाइव क्लासेस में आए. मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता, ये मेरे ईमान के खिलाफ है. आप समझे, मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं जो है यहां पे कम दूं. आपके साथ इनजस्टिस मैं कभी नहीं करूंगा. मैं लाइव में कम पढ़ा सकता हूं, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैं अपने साथ नहीं धोखा कर रहा, आप सबके साथ धोखा कर रहा हूं. और वो शायद एक इंसान होने के नाते मुझे नहीं करना है, एक एजुकेटर होने के नाते मुझे नहीं करना है. अगर YouTube पे मैंने कुछ पढ़ाना शुरू किया है तो मेरी ये कोशिश है, मेरा ईमान ये कहता है कि मैं पूरे का पूरा कंटेंट आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दूं. ये धोखा है अपने साथ ही नहीं, अपनी शायद अपने इस काम के साथ कि मैं आधा यहां फ्री में पढ़ा दूं और फिर मैं कहूं आधे के लिए आप पैसे दें. नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है. ये आप एक एज एजुकेटर आपको नहीं करना चाहिए. आप लाइव क्लासेस ले, आप अपनी रोजी रोटी के लिए काम करें, लेकिन आपको YouTube भी पे करता है. और जब YouTube आपको पे कर रहा है और इतना पे कर रहा है कि आपके घर का दाल रोटी चल रही है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ख्वाहिशात पालना ये किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है. मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों की मदद करनी चाहिए और अपनी सोसाइटी की मदद करनी चाहिए. आज सोसाइटी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है.
ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सब बड़ी अजीब स्थिति में हैं। और मेरी कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ हमारी जबान हिंदी, उर्दू, हमारे जहाँ जहाँ लोग हैं उनको हम एम्पावर कर सके। ये एजुकेशन वो जरिया है दोस्तों, ये किसी बुनियाद को नहीं मानता, ये किसी सरहद को नहीं मानता, सॉरी ये मतलब मैं सरहद बुनियाद कह रहा हूँ, ये किसी सरहद को नहीं मानता। हमें सरहदों के पार जाके पढ़ाना है, हमें पूरी दुनिया को एजुकेट करने की कोशिश करनी है। मैं मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी में पढ़ाएं, मैंने कहा नहीं यार, अंग्रेजी में ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रेनर्स और बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद जानते हैं कि वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यूडेमी के ऊपर उनके बड़े नाम है। मैंने कहा मुझे उन लोगों को पढ़ाना है जिनकी अंग्रेजी कमजोर है या जिनको अंग्रेजी में अपनापन नहीं फील होता, जिनको उर्दू में पढ़ना है, जिनको हिंदी में पढ़ना है, जिनको अपनी जबान में बात करनी है और गुफ्तगू करनी है, उनके लिए ये चैनल है। ये चैनल सबके लिए नहीं है, ये चैनल उनके लिए है जो इसको एक फैमिली की तरह लेते हैं, जो भूपिंदर राजपूत को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, अपने खास दोस्त की तरह मानते हैं, खास एक अजीज की तरह मानते हैं। तो मैं ये चैनल उनके लिए लेकर आया हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, और मैंने ये चैनल बड़ा करने के बाद भी ये कोई ख्वाब नहीं देखा हुआ कि मैं बाद में इसको पूरा मोनेटाइज करके और मैं एक ऐसा कुछ बना दूँ कि फिर मैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स की तरह पैसों में कोर्सेज को बेचूँ। नहीं, अगर मैं वो काम करूंगा अभी तो वो एक अलग काम होगा, इस पर आता रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। YouTube पर मैं पढ़ाना कभी नहीं छोड़ूंगा और जो भी कोर्स पढ़ाऊंगा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि चार वीडियो डाल के कहूंगा कि आगे के लिए मेरे से पढ़ने आ जाओ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये कभी नहीं होगा, नो नीड टू वरी। चले, अच्छा चले, आज मैं आपको गजल अभी सुनाता हूँ, इससे पहले कि क्योंकि अब फिर थोड़ा सा आपका मूड बन जाए। तो मैं आज कुछ लिख रहा था तो मैं आपको गजल सुनाता हूँ, और गजल मैंने ये लिखी थी कागज पे, आप देख सकते हैं, तो मैं लिख रहा था और ये कुछ यूँ था कि मुझे दुनिया जैसा नहीं होना, मुझे दुनिया जैसा नहीं होना, जैसे सब हैं वैसा नहीं होना, आज मिलो कल जुदा हो जाओ, इससे बेहतर है किसी का नहीं होना। मैंने भी चाहा था खुश होना, मैंने भी चाहा था खुश होना, पर किस्मत थी कि नहीं होना। ले जा रहा हूं खत जलाने के लिए, इनसे मेरा गुजारा नहीं होना। तूने भुला दिया, मुकम्मल भुला दिया, हमसे तो ये गुनाह नहीं होना। मुबारक कि कोई और मिल गया तुझे, मुबारक कि कोई और मिल गया तुझे, हमसे तो ये सफर दोबारा नहीं होना। पत्थर पर लिखा सारी उम्र ना मिटेगा, पत्थर पर लिखा सारी उम्र ना मिटेगा, मुश्किल है मर्द जैसा पत्थर दिल होना। तो ये अभी लिख रहा था मैं, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो शेरो शायरी भी जरूरी है, ये इंसान को जमीन से जोड़ के रखती है ना। तो वो एक शायर ने एक शेर कहा था कि परदेश में क्या महसूस करें, नदीम शाह साहब का ये शेर है कि परदेश में क्या महसूस करें, बारिश का मजा मिट्टी की महक, जब गांव में अपने होते हैं बरसात से खुशबू आती है। तो अपने शहर, अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं ये आप लोग भी मिस करते होंगे जो हिंदुस्तान से बाहर है, जो उनको भी फील होता होगा। तो खैर मैं बात पे आता हूँ। आई एम परमिशन टू एक्सेस अ रिसोर्स इज नॉट ग्रांटेड डायरेक्टली टू द एंड यूजर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आई एम परमिशन जो है एक्सेस अ रिसोर्स इज नॉट ग्रांटेड डायरेक्टली टू द एंड यूजर। ये कहते हैं कि यूजर को डायरेक्टली नहीं दी जाती, आप परमिशन यूजर को डायरेक्टली नहीं दोगे। आप ये नहीं कहोगे कि भूपिंदर तुम आज से जाके तुम ये डेटा सेंटर में जा सकते हो, नहीं, आप कहोगे भूपिंदर आज से तुम सीनियर डेवलपर हो और तुम सीनियर डेवलपर होने के नाते जो तुम्हारे काम तुम्हें दिए जाएंगे वो तुमने करने हैं। आप ये नहीं कहोगे भूपिंदर जाओ और डेटा सेंटर एक्सेस कर लो, नहीं, आप एक रोल असाइन करोगे। आप ये कहोगे भाई ये तुम्हारा काम है, काम क्या है, आपका रोल क्या है, सीनियर डेवलपर। अब सीनियर डेवलपर क्या क्या कर सकता है वो उसकी जिम्मेदारियों में लिखा होगा, और अगर उनमें से एक जिम्मेदारी ये है कि आपने डेटा सेंटर एक्सेस करना है या वहां पर जा सकते हो, देन यू कैन एक्सेस। तो आप डायरेक्ट
डायरेक्टली कभी जो भी यूजर गूगल पे क्रिएट करते हो उसको डायरेक्टली कभी कोई परमिशन नहीं देते, बजाय उसके आप एक रोल बनाते हो, उस रोल के साथ परमिशंस असाइन करते हो कि ये बंदा ये काम कर सकता है, दैट मींस परमिशंस, वो उसके साथ बाइंड करते हो और वो आप एज अ पॉलिसी लगा देते हो उस यूजर के ऊपर और कहते हो भाई अब तुम ये काम कर सकते हो। तो आप यूजर को जो रोल दोगे बेसिकली वो रोल ये बताएगा कि इसके क्या क्या कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे विजिटर है तो वो क्या कर सकता है, विजिटर का कार्ड बताएगा, एम्प्लॉय का कार्ड एम्प्लॉय की परमिशंस को बयां करता है, और सीनियर डेवलपर या मैनेजमेंट का कार्ड, सीईओ का कार्ड, एमडी का कार्ड, वो उसकी अलग परमिशंस है। तो ये आप समझ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यूजर को कभी कोई परमिशन नहीं देते, इंस्टेड परमिशंस आर ग्रुप्ड इनटू रोल, आप उन परमिशंस को रोल के अंदर डाल देते हो कि ये रोल है सीनियर डेवलपर का और वो ये कर सकता है, एंड रोल आर ग्रांटेड टू ऑथेंटिकेटेड प्रिंसिपल। यहां पर यूजर को प्रिंसिपल कहा जाता है बेसिकली, प्रिंसिपल, पहले इसको मेंबर्स कहा जाता था गूगल के अंदर, गूगल पहले इसको मेंबर नाम से कहता था, अब वो इसको प्रिंसिपल कहता है क्योंकि AWS में भी इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो गूगल कोशिश कर रहा है धीरे धीरे AWS की टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करने की ताकि लोगों को फैमिलियर फील हो, जैसे कि इन्होंने अपने नेटवर्क को VPC नेटवर्क कहना शुरू कर दिया, यहां पर अपने मेंबर्स को प्रिंसिपल कहना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम AWS, ये ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है AWS से, Azure से थोड़ा कम है, Azure वाली टर्मिनोलॉजी आपको यहां कम मिलेगी, AWS वाली थोड़ी ज्यादा मिलेगी। पॉलिसी डिफाइंस एंड एनफोर्स व्हाट रोल्स आर ग्रांटेड टू व्हिच प्रिंसिपल, ये कहते हैं पॉलिसी ये बताती है कि कौन सा रोल किस प्रिंसिपल को दिया गया है। प्रिंसिपल से क्या मतलब है, कोई यूजर हो सकता है ना, कोई सर्विस हो सकती है। ईच अलाउ पॉलिसी इज अटैच्ड टू अ रिसोर्स, तो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी का मतलब है कि उसमें रोल होता है और रोल के साथ परमिशन लगी होती है, तो उन दोनों चीजों को मिला दोगे तो वो एक पॉलिसी बन जाती है। When an authenticated principal attempt to access a resource, IAM checks the resources allow policy to determine whether the action is permitted। अब ये कहते हैं जब भी कोई authenticated user resource को एक्सेस करना चाहेगा तो IAM चेक करेगा कि क्या ये पर्सन इसे एक्सेस करने की परमिशन रखता है या नहीं। अब इसका भी आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप सभी लोग जीमेल इस्तेमाल करते होंगे, है ना, जीमेल, आप सभी लोग जीमेल इस्तेमाल करते होंगे। देखिए पॉलिसी के बारे में भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, पॉलिसी का मतलब क्या है, मेंबर प्लस रोल, यानी आपका जो प्रिंसिपल है उसके साथ में आप अगर रोल लगा दो, उसके साथ में रोल को बाइंड कर दो या जोड़ दो तो वो पॉलिसी बन जाती है, बस इतना याद रखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जीमेल आप जब एक्सेस करते हो तो आप जीमेल में साइन इन करते हो, साइन इन करते हो, आप कोई आईडी डालते हो bhupinder@gmail.com। अब जैसे ही आपने डाला और उसके बाद पासवर्ड में आपने डाला पासवर्ड, तो क्या होगा, वो बोलेगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो उसको कैसे पता चला ये पासवर्ड इनकरेक्ट है, कहीं तो जाके उसने सर्वर में चेक किया होगा तब उसने मुझे बताया पासवर्ड इनकरेक्ट है। जैसे ही मैंने लिखा पासवर्ड 1 उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उसको पता था कि मेरा असल पासवर्ड क्या है। ये कैसे पता चलता है, वहां पर भी बैक एंड में ये एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है जो ये चेक करता है कि भाई ये जो पर्सन है ये सही है या नहीं है, इसको ये जेन्युइन यूजर है कि नहीं है, तो उसे कहते हैं ऑथेंटिकेटेड, यानी कि वो परमिशन उसके पास, वो आईडी पासवर्ड सही होना चाहिए, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर होना चाहिए। ऑथेंटिकेटेड यूजर के बाद आता है ऑथराइजेशन, मैं आपको बताता हूं, एक हो गया ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया कि यूजर ऑथेंटिक है, यानी उसका आईडी पासवर्ड करेक्ट है और ये वही यूजर है जिसको ये आईडी पासवर्ड एलोकेट किया गया था। उसके बाद आता है ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन के बाद जो दूसरी टर्म आती है ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन का मतलब है कि अब ये पर्सन क्या क्या कर सकता है, इसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमारे पास ना AAA सर्वर हुआ करता था पहले, अभी भी होता है टेलीकॉम के अंदर बाकी डिपार्टमेंट्स में, AAA सर्वर, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, AAA सर्वर बोलते हैं। तो ऑथराइजेशन का मतलब है कि यार ये बंदा क्या क्या कर सकता है, और अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अब जो वो कर रहा है उसकी बिलिंग क्या आएगी, वो किस तरीके से होगा, तो इसको AAA सर्वर कहते थे। तो बेसिकली यहां पर भी ये जो IAM है ना, ये कुछ कुछ वैसे ही काम करता है AAA सर्वर की तरह, पहले ऑथेंटिकेट करेगा, देखेगा यूजर वही है, पासवर्ड वही है, फिर जैसे ही वो सही आईडी पासवर्ड, तो अब वो कहेगा ठीक है अब इसको एक्सेस दे दो। अब जीमेल का भी एक्सेस जो आपने किया, आपने जीमेल को लॉगिन किया, तो एक तो नॉर्मल यूजर होता है, एक होता है पेड अकाउंट होता है किसी का, गूगल वन किसी ने परचेज किया हुआ है जिसमें उसे एक्स्ट्रा स्टोरेज मिली हुई है, तो वो किसको मिली हुई है, सबको तो नहीं मिलती, आप जिसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा गूगल वन का उसको ही मिलेगी, यानी अब अगले सर्वर को यह पता है इसके पास कितनी परमिशन है। फ्री यूजर है तो यह परमिशन है, इसको यह ऑथराइजेशन मिला हुआ है, पेड यूजर है तो इसको यह ऑथराइजेशन मिला हुआ है, तो यही सारी चीजें
IAM भी चेक करता है किसी भी यूजर के परमिशंस देखकर, उसको सारी चीजें देखकर वो उसको आगे अलाउ करता है कि ये इस गूगल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चले जी, अच्छी बात है। तो आई होप आपको यहां तक कुछ बुनियादी बातें समझ आ गई होंगी। अब मैं यहां पे वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करता हूं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, रोल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और बहुत सारी बातें। तो वन बाय वन अब इनको डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स लिख दिए हैं और उसके बाद IAM के जो मेन पार्ट है वो लिख दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें, ऑलरेडी मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ बट आपका लिखना भी जरूरी है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप नोट डाउन कर लें और मैं समझा भी देता हूँ। लेट्स यू ऑथराइज, यानी IAM के हवाले से ये बात की जा रही है कि लेट्स यू ऑथराइज हु कैन टेक स्पेसिफिक एक्शन ऑन रिसोर्सेज टू गिव यू फुल कंट्रोल एंड विजिबिलिटी ऑन योर गूगल क्लाउड सर्विस सेंट्रली। ये कहते हैं कि आप IAM के थ्रू ये पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि किस पर्सन को मैंने क्या परमिशन दी है, क्या काम करने के लिए मैंने कहा हुआ है, वो सिर्फ वही कर पाएगा। इससे आप मेंटली भी पीस में रहते हैं, आपको पता रहता है कि वो बंदा वही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मैंने VM बनाने की परमिशन दी है, उसके अलावा कोई और परमिशन नहीं दी और मेरे पास कोई दूसरा बंदा आके कहे कि उसने क्लाउड स्टोरेज में ये काम कर दिया, मैं ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, मुझे पता है उसके पास परमिशन ही नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो यहां पे आप सारी चीजों को ऑथराइज कर सकते हैं, किसको क्या काम करने के लिए दिया है उसको दे दीजिए, उसके बाद आप सेंट्रली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कौन क्या काम कर रहा है। Permissions are represented in the form of service.resource.verb, यानी ये तरीका है permissions को represent करने का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, detail में बात करेंगे, no need to worry, ये एक तरीका होता है। Permissions कैसे दी जाती है वो इस way में represent की जाती है, जब आएंगी तब मैं आपको समझाऊंगा। Can map job functions into groups and roles, ये कहते हैं कि आप जो काम किसी को allocate कर रहे हैं वो group में भी कर सकते हैं, यानी कि आपने suppose करें कि एक बंदा है उसको permission दी, फिर दूसरा बंदा आया उसको अलग से permission दी, तीसरा बंदा आया अलग से परमिशन दी। अब आपको पता है कि 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों का यही काम है, बड़ी-बड़ी कंपनियों में तो 100-100 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब 100 के 100 लोगों को ये सेम परमिशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप के उन सबको मेंबर बना दूंगा, उस ग्रुप पर जो भी परमिशन लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितने भी यूजर हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको मिल जाएगी। तो आप ग्रुप में काम करते हैं, आप इंडिविजुअली ना देने की जगह अगर आपको बहुत सारी यूजर्स को सेम परमिशन एलोकेट करनी है, देनी है, तो आप एक ग्रुप बना दो, वो सेम जिनको सेम काम करना है उनका एक ग्रुप बना दो, उस ग्रुप के ऊपर परमिशन लगा दो, बजाय हर यूजर को परमिशन देने के उस ग्रुप पे परमिशन दे दो, ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर के लोगों को वो परमिशन मिल जाएगी। With IAM, users only get access to what they need to get the job done. ये कहते हैं IAM की help से हम हर यूजर को सिर्फ उतनी परमिशन देने में कामयाब हो पाते हैं जितनी हम उसे देना चाहते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ IAM की मदद से ही हो सकता है। Cloud IAM enables you to grant access to cloud resources at fine-grained level. Fine-grained level ये बहुत important है, well beyond project level access. ये कहते हैं कि आप किसी पर्सन को अगर सिर्फ ये पर एक्सेस देना चाहते हैं कि ये सिर्फ VM को रीस्टार्ट कर सकता है या VM को सिर्फ स्टॉप कर सकता है, उसके अलावा ना बना सकता है ना डिलीट कर सकता है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। फाइन ग्रेंड का मतलब जितना महीन, जितना बारीक से बारीक काम आप किसी को देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई पर्सन है वो सिर्फ स्टोरेज में जो है रीनेम कर सकता है बकेट को, ये परमिशन आप दे दें कि वो सिर्फ बकेट को रीनेम कर पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा, ना बना पाएगा, ना उनको मूव कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रीनेम कर सकता है। यानी फाइन ग्रेन, जो छोटे से छोटा काम आप एलोकेट करना चाहते हैं IAM की हेल्प से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर कुछ फीचर्स हैं जो IAM के बारे में बताए गए हैं। अब IAM के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, जिसमें कि हु एंड हु कैन एक्सेस एंड व्हाट रिसोर्सेज, वो तीन चीजें जो थी उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि तीन इंपॉर्टेंट पार्ट IAM के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है रोल और तीसरा होता है पॉलिसी। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरा IAM इन्हीं तीन चीजों के आसपास घूमता रहता है। तो ये कहते हैं ये प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है AWS में, और यहां पर काफी सिमिलैरिटीज है। तो यहां पर प्रिंसिपल या मेंबर्स एक ही बात है, पहले गूगल इसको मेंबर्स कहता था, अब वो इसको प्रिंसिपल टर्म कहता है। प्रिंसिपल का मतलब है जिस पर ये काम किया जाना है। यहां पर जैसे कि जो वर्ब आ रही है ये एक्चुअल में मेरी प्रिंसिपल ही है, तो वर्ब का मतलब हिंदी में कर्ता कहते हैं, तो कर्ता का मतलब है जो करने वाला है, डूअर, जिस पे काम, जिसने काम करना है। तो अब प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है, कोई गूगल अकाउंट हो सकता है, क्योंकि मैं एक यूजर को अगर क्रिएट कर रहा हूं तो गूगल में ये मैंडेटरी है कि उसका जीमेल अकाउंट होना चाहिए या उसका कोई गूगल अकाउंट होना चाहिए। तो
हम किस किस को मेंबर बना सकते हैं या किस किस को प्रिंसिपल बना सकते हैं या किस किस को ये कह लें कि गूगल का एक्सेस दे सकते हैं रिसोर्सेज का, उसके लिए ये वो चीजें हैं जो जो गूगल के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती है, प्रिंसिपल उसको हम बोलेंगे, जो जो गूगल के रिसोर्सेज यानी कि क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल मशीन, जितनी भी गूगल की सर्विसेज हैं उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं टेक्निकली। गूगल अकाउंट ये एक्सेस कर सकता है, सर्विस अकाउंट ये एक्सेस कर सकता है। गूगल अकाउंट और सर्विस अकाउंट में ये फर्क होता है, गूगल अकाउंट किसी पर्सन के लिए बनाया जाता है, सर्विस अकाउंट किसी सर्विस के लिए बनाया जाता है, यानी कि जो कि इंसान नहीं है। जैसे गूगल अकाउंट मेरे को दिया जाएगा बना के कि भाई भूपेंद्र ये तुम्हारा गूगल अकाउंट है, कल से तुम इसके थ्रू लॉग इन करके काम करोगे। सर्विस अकाउंट किसके लिए होता है कि किसी वर्चुअल मशीन को क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करना है, तो वर्चुअल मशीन को इंसान नहीं है पर उसको जरूरत है क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करने की, तो उसको परमिशन देनी है तो सर्विस अकाउंट के थ्रू देनी पड़ेगी। यहां पर सर्विस अकाउंट क्या होता है, बेसिकली AWS की अगर मैं बात करूं तो AWS में सर्विस को डायरेक्टली रोल दे सकते हो आप, ये AWS के अंदर होता है कि वहां पर भी सर्विस को दे सकते हो, पर वहां सर्विस अकाउंट नाम की चीज नहीं होती, वहां पे डायरेक्टली आप किसी सर्विस को एक्सेस दे सकते हो रोल देकर, उसको रोल दे सकते हो। यहां पर अगर आपको किसी सर्विस को रोल देना है तो डायरेक्टली नहीं दे सकते, सर्विस अकाउंट बनाओगे, उसको रोल एलोकेट करोगे और वो सर्विस अकाउंट फिर उस सर्विस को दोगे, उस वर्चुअल मशीन को या जिसको भी आप देना चाहते हो, तो यहां पर ये होता है। तीसरा है गूगल ग्रुप, आप गूगल ग्रुप बना सकते हो जिसमें कि आपने इकट्ठे 100 लोगों को रख दिया कि भाई ये सारे लोगों को सेम परमिशन देनी है तो ग्रुप के अंदर डाल दो। गूगल वर्क स्पेस ये आप ले सकते हो, अगर आपके पास गूगल वर्क स्पेस का सब्सक्रिप्शन है आपने ले रखा है तो आप उसको एक्सेस दे सकते हो गूगल की सर्विसेज का, क्लाउड की सर्विसेज एक्सेस करने का। क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन, अगर आपके पास कोई डोमेन है, कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है किसी कंपनी का, जैसे कि मेरा technicalguftagu.in है, तो इस तरह की आइडेंटिटी डोमेन भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटेड यूजर, जिनको मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है, जिनकी एक ऑथेंटिकेटेड आईडी है या मैंने उनको परमिशन दी हुई है, ऑथेंटिकेट किया है किसी भी तरीके से, वो कर सकते हैं। या फिर ऑल यूजर्स, ऑल यूजर भी एक प्रिंसिपल हो सकता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे बंदे दुनिया के मेरी क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे में प्रिंसिपल कौन हो जाएगा, ऑल यूजर हो जाएगा। ऑथेंटिकेटेड यूजर का मतलब है कि सिर्फ वो यूजर एक्सेस कर सकता है जिसके पास जीमेल का अकाउंट है, तो उसका मतलब कि उसको पहले जीमेल में लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद वो सर्विस को एक्सेस कर पाएगा, यानी मैंने एक परमिशन लगा दी ऑथेंटिकेटेड की। ऑल यूजर का मतलब है कोई परमिशन नहीं है, बंदे के पास गूगल अकाउंट हो ना हो, उसने जीमेल को लॉगिन किया हो ना किया हो, फिर भी वो उसे एक्सेस कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल्स हैं कि कौन कौन मेरी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। दूसरी चीज रोल, रोल क्या होता है, जो एक प्रिंसिपल को दिया जाता है, जैसे कि गूगल अकाउंट को, सर्विस अकाउंट को, इनको आप रोल एलोकेट करोगे, ये इंसान है, या आप ऐसा समझे कि मैं जो है, मैंने वो जो बताया था आपको कि मैं कंपनी में जाता हूं तो मैं विजिटर हूं, तो मेरा विजिटर क्या, मेरा रोल हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा, प्रिंसिपल हो जाऊंगा उस केस में। यूजर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो मेरे को क्या रोल दिया जा सकता है, रोल इज अ कलेक्शन ऑफ परमिशन। याद रखिएगा जो पॉलिसी होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो होता है रोल और रोल पर लगी होती है साथ में परमिशंस, इन दो चीजों को मिलाने से आपकी पॉलिसी बन जाती है। तो रोल अपने आप में कुछ नहीं होता, उसको पहले परमिशंस देनी पड़ेंगी। अब मैं ये कह दूं कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कहने से तो नहीं मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, मैं खुद को ही कह दूं मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको परमिशंस मिलेंगी, आपको स्पेशल गाड़ियां मिलेंगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आपको पार्लियामेंट में जाने का मौका होगा, आपके पास पूरे रिसोर्सेज और पावर होगी कि आप जो काम चाहे वो आप मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए कर सकते हैं, देन ओनली यू आर प्राइम मिनिस्टर। अदरवाइज कहते रहो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, नहीं हो सकते आप। तो परमिशन देना जरूरी है, खाली रोल होने से कुछ नहीं होगा, रोल पर परमिशन है तभी कोई फायदा है, अदरवाइज वो रोल यूजलेस है, ऑलवेज रिमेंबर। तो उसको आपने रोल के साथ परमिशन अटैच करनी है और उस चीज को हम टेक्निकली पॉलिसी कहते हैं। तो रोल क्या होता है ये आपको समझ आ गया, रोल इज अ कलेक्शन ऑफ परमिशन, ठीक है। रोल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ परमिशंस होता है, अपने आप में कुछ नहीं होता। भाई प्राइम मिनिस्टर क्या है, अपने आप में कुछ नहीं है, एक पोस्ट है लेकिन पोस्ट के पास पावर बहुत है, तो वो पावर क्या है, परमिशन ही तो है। परमिशंस डिटरमाइन व्हाट ऑपरेशंस आर अलाउड ऑन अ रिसोर्स, परमिशन ही ये बताएगी कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर की पावर बताती है। एक एमएलए क्या कर सकता है, एमएलए की पावर बताती है। एक जिले का डीएम क्या कर सकता है, वो जिले की पावर, उसकी परमिशंस जो उसको मिली हुई है वो बताती है। तो ऐसे यहां पर भी है, व्हेन यू ग्रांट अ रोल टू अ प्रिंसिपल यू ग्रांट ऑल द परमिशन दैट द रोल कंटेन। ये कहते हैं आप जब एक रोल एक प्रिंसिपल को देते हैं, यानी इनमें से किसी पर भी आपको रोल लगाते हैं, तो उस रोल से मतलब ये है कि वो बंदा वो सारे काम कर सकता है जो उस रोल को दिए गए हैं।
जैसे कि डीएम के पास एक जिले के सारे अधिकार होते हैं, वो जिले में जो चाहे कर सकता है। एक एमएलए के पास अपने विधानसभा के पूरे अधिकार होते हैं, एक सांसद के पास अपनी पूरी जो संसदीय सीट है उसके अधिकार होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर के पास अपने स्टेट के पूरे राइट्स होते हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के पास पूरे मुल्क का हक होता है। तो ये आपको बताएगा, आपको रोल क्या मिला है, रोल टू अ प्रिंसिपल, ये बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके रोल में क्या क्या परमिशन है, कंटेंट्स क्या क्या परमिशन आपको दी गई है। पॉलिसी क्या होते हैं? पॉलिसी इज अ कलेक्शन ऑफ रोल बाइंडिंग। पॉलिसी अपने आप में कुछ नहीं है, वो रोल बाइंडिंग है दैट बाइंड वन और मोर प्रिंसिपल टू इंडिविजुअल रोल। पॉलिसी क्या है? यहां पे जो रोल है, इस रोल को मैंने कहा कि ये रोल दे दिया गया एक प्रिंसिपल को, ठीक है, ये रोल एक प्रिंसिपल को दे दिया गया। तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज अ कलेक्शन ऑफ रोल बाइंडिंग दैट बाइंड वन और मोर प्रिंसिपल टू इंडिविजुअल रोल। तो आप इस पूरे रोल प्लस प्रिंसिपल को अगर सॉरी आप पॉलिसी को ऐसे समझे, पॉलिसी ये है, प्रिंसिपल प्लस रोल, इसको पॉलिसी कहते हैं। तो आप एक प्रिंसिपल पे रोल लगा दें उसको हम पॉलिसी कहेंगे। तो पॉलिसी इज अ कलेक्शन ऑफ रोल बाइंडिंग दैट बाइंड वन और मोर प्रिंसिपल टू इंडिविजुअल रोल्स। व्हेन यू वांट टू डिफाइन हु हैज व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस ऑन अ रिसोर्स, यू क्रिएट एंड अलाउ पॉलिसी एंड अटैच टू अ रिसोर्स। छोटा 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 लिखा, जगह कम रह गई थी, तो चलिए अच्छी बात है। तो पॉलिसी क्या है? कलेक्शन है एक रोल बाइंडिंग का, कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये पॉलिसी हम इसको दे रहे हैं या ये काम हम इससे करा रहे हैं। जैसे हम भी अपने मुल्क के लिए पॉलिसी बनाते हैं, हम कहते हैं कि भाई पॉलिसी ये है कि हमारे देश में जो रहेगा उसको जो है आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान में कहीं भी जमीन लेने का हक है, कहीं भी पढ़ाई करने का हक है, हमने एक पॉलिसी बनाई है अपने सिटीजन्स के लिए। तो पॉलिसी जो बनती है वो कलेक्शन होता है, वो एक कलेक्शन होता है आपके रोल्स का, बाइंडिंग होती है वन और मोर प्रिंसिपल पे, जो सब पर उनके ऊपर प्रिंसिपल्स पे लगाए जाते हैं। एक से ज्यादा पर भी आप लगा सकते हो, एक पॉलिसी को अटैच कर सकते हो। तो ये एक पॉलिसी की बात है, इनको डिटेल में डिस्कस करना है, नो नीड टू वरी, अभी बात खत्म नहीं हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है। बट लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए आज इतना ही रखते हैं। इसको ऐसा करते हैं पार्ट वन बना देते हैं, ठीक है, इसको पार्ट वन हम कर देते हैं, और इसके बाद इससे आगे की बातें जो और डिटेल में हमें करनी है वो मैं अगले लेक्चर में लेके आता हूं। अभी तक के लिए इतना पढ़ें, इसको बार बार रिवाइज करें, वीडियो को बार बार देखें और लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें। मैं सजेस्ट करूंगा जो भी गूगल क्लाउड मुझसे पढ़ रहा है वो लेक्चर वन से देखना शुरू करें। मैं गारंटी देता हूं अगर इस लेक्चर तक आपने वहां से लेके यहां तक पढ़ लिया, आपको गूगल क्लाउड के 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। IAM के बाद ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है जो हम जल्दी फिनिश कर देंगे। तो आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को पूरा कर दिया जाए, ताकि आप एग्जाम भी दे सके, इंटरव्यू दे सके। और बड़ी खुशी हुई जब कई लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि सर गूगल क्लाउड पढ़ के आपसे, इस यूट्यूब से मेरी अभी जॉब लगी है कॉग्निजेंट के अंदर, कई सारे लोगों की बल्कि कॉग्निजेंट में जॉब लगी है, एक को 17 लाख का पैकेज भी मिला है, मैंने अभी बताया भी था कुछ दिन पहले। तो ये काफी अच्छी खुशी की बात है भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब इस सब चीजें होती है। आप लोग भी बताया करें कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगता है, आपकी जॉब लगी है तो बताएं। लिंक्डइन पे हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करें, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टेक्निकल लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पर जरूर हमें सपोर्ट करें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें कि क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं है। मैंने डॉकर भी डाला हुआ है, कुबरनेट्स भी डाला हुआ है, वो सारे के सारे डेवॉप्स टूल हैं, तो डेवॉप्स की सीरीज में आपको मिल जाएंगे। और अलग अलग है, 6-7 वीडियो हर टॉपिक के हैं, पूरे कंप्लीट 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के हर वीडियो है, तो वहां पर जाकर जरूर उसका फायदा उठाएं, दोस्तों को बताएं, फेसबुक पे शेयर करें, एक शाउट आउट करें टेक्निकल गुफ्तगू के लिए, ताकि जो लोग हमारे गिराने की, हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें गिरा ना पाए। क्योंकि एक शायर ने एक शेर कहा है ना, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में बार बार गिरे। तो वो गिरते रहे, पढ़ते रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चले, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।